हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 17 को। इस पाठ का नाम है बच्चों संकल्प। इस पाठ के जो वर्णन है बच्चों, मैं पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको वो पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब हम किसी पाठ को समझ लेते हैं बच्चों, तो उसके प्रश्न उत्तर करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके चार चार विकल्प हैं, तो हमें ये बताना है कि उसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो देख लेते हैं इसका जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इसका का नंबर वाला है, वो है संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं। तो इसमें ये चार विकल्प हैं हमारे सामने: मन में, तन में, आंखों में, सांसों में। यदि आपने कविता पढ़ी होगी, उसे समझा होगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि संकल्प लेकर मन में आगे बढ़े, ठीक है। और वैसे भी हम जो संकल्प लेते हैं बच्चों, वो मन में ही लेते हैं, ना ही तन में लेते हैं, ना ही आंखों में लेते, ना ही सांसों में लेते। कहाँ लेते हैं? मन में लेते हैं। तो इसका जो विकल्प नंबर 1 है, ये मन में, तो का नंबर वाले का उत्तर हो जाएगा मन में, पहला विकल्प, ठीक। खा है इसका बच्चों सही विकल्प का प्रश्न, हार बनता है। तो हार बनता है बच्चों, एक तो फूलों का भी हार बनता है, मोतियों का भी हार बनता है, और भी चीजों का हार बनता है। लेकिन जो हमारी कविता कहती है, उसमें लिखा है कि हार फूलों से बना हुआ उसमें दिखाया गया है। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा फूलों से, ठीक है, फूल से। तो जो दूसरे नंबर का हमारा सही विकल्प है, वो सही हो जाएगा यहाँ। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है सही शब्द चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे चुन चुन कर, गिर गिर कर, और गरज गरज, और नीचे की तरफ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, का खा गा। तो इन रिक्त स्थानों को हमें इन शब्दों से भरना है। जो रिक्त स्थान में जो सही शब्द आएगा, उसी सही शब्द से इस रिक्त स्थान को भरना है बच्चों। जो का नंबर वाला रिक्त स्थान है, वो है बादल बनकर डैश वह धरती पर बरसे। तो बादल जो होते हैं बच्चों, वो गरज गरज के बरसते हैं। तो यहां पर पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा गरज गरज, ये का नंबर वाले का अपना उत्तर हो जाएगा गरज गरज। खा नंबर वाला रिक्त स्थान है, वो है डैश चलना सीखने, गिरने से न डरे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गिर गिर कर चलना सीखने, गिरने से न डरे। मतलब इसका ये है कि हमें असफलताओं से नहीं डरना है, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। चाहे हम कितनी भी बार असफल हो जाएं, फिर भी हमें रुकना नहीं है, ठीक है। तो खा नंबर वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा बच्चों गिर गिर कर खा। और लास्ट वाले रिक्त स्थान में बच्चों ये चुन चुन कर आ जाएगा, क्योंकि एक ही बचा है, एक ही रिक्त स्थान है, और एक ही हमारे पास इसका विकल्प है। तो ये आ जाएगा चुन चुन कर गा वाले में। तो ये हो जाएगा चुन चुन कर गूथे सुमनों से, बने हार अनगिन हाथों से। इस तरीके से ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न आप कर लेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें बताना है। यदि हमने कविता अच्छे से पढ़ी होगी, तो आसानी से ये प्रश्नों के उत्तर हम कर पाएंगे बच्चों। तो का नंबर वाला इसका प्रश्न है, ये है आत्मविश्वास कब बढ़ता है। तो बच्चों, जब कोई मनुष्य किसी कार्य को करता है, एक बार करता है, दूसरी बार करता है, तो उसका हर बार आत्मविश्वास उस कार्य के प्रति बढ़ने लगता है बच्चों। तो काम को करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो खा नंबर का प्रश्न है बच्चों,
ये है उद्गम रूप धरें का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उद्गम का मतलब है यहां शुरुआत, या फिर नदियां जहां से प्रारंभ होती हैं, जहां से स्टार्टिंग होती है नदियों की, उस जगह को, उस स्थल को यहां पर कवि ने उद्गम बताया है। नदियों का उद्गम यानी कि नदियों का वो स्थान यहां से उनकी शुरुआत होती है। जैसे कि बहुत सी नदियों की शुरुआत हिमालय से हुई है, तो उन नदियों का उद्गम स्थल क्या हो गया? हिमालय। तो बच्चों, जो नदियां हैं वो बारिश की एक-एक बूंद करके वहां पर इकट्ठी हुई है, उससे वो नदियों का उद्गम हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उद्गम रूप धरे से कवि का आशय है कि छोटी छोटी बूंदों से भी नदी का उद्गम स्थल बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों, जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे से प्रयास हैं, उन छोटे छोटे प्रयासों से भी हम बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से छोटी छोटी सी बूंदों से नदी एक विशाल नदी का रूप ले लेती है, वो छोटी छोटी सी नदियां, बूंदें सॉरी, इसी तरीके से हमारे छोटे कदम भी बड़े बड़े कामों को सफल कर देते हैं बच्चों। तो अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है, धरती फल कब देती है? तो बच्चों, जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो उससे क्या है, तालाब नदियां वगैरह का पानी भाप बन के यानी कि बाष्प बन के उड़ जाता है, और वो बादल बन जाता है, और फिर वो बादल पानी के रूप में जमीन पे पड़ता है, और जमीन पे पड़ के वो धरती उस पानी को सोख लेती है, और धरती के अंदर जो भी बीज वगैरह रहते हैं उसमें से वो पौधों के रूप में निकलते हैं, फिर वो बड़े वृक्ष बन जाते हैं और उनमें फल लगते हैं। तो जब धरती तेज धूप से तपती है और पानी को सोखती है, फिर उसके बाद वो फल देती है। तो इसका आशय कवि का ये है कि हमें अगर कोई बड़ा काम करना है तो हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जिस तरीके से धरती तप रही है, उसी तरीके से हमें भी अपने आप को तपाना पड़ेगा, तभी हम अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, जब धरती सूर्य के प्रकाश से तपती है और जलाशयों का जल वाष्प बन बादलों के रूप में बरसता है, और धरती उस जल को सोख कर अपने अंदर से बीजों को उगाकर फल देने लगती है। इस तरीके से धरती फल देने लगती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। जो ग नंबर वाला प्रश्न है ये है, बादल कैसे बनते हैं? तो बच्चों, जब बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ती है पानी के ऊपर, तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और वो आसमान में जाके भाप बादल का रूप ले लेती है ठंडी होकर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है यानी गर्मी कम होती है, तो वो भाप ठंडी होकर बादल का रूप ले लेती है बच्चों। तो इस तरीके से बादल बनते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश जलाशयों के जल को बाष्प में बदल देता है और वह बाष्प आकाश में जाकर बादल का रूप ले लेती है, तो इस तरीके से हमारे बादल बनते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो ड़ा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है, कविता में संकल्प करने पर क्यों बल दिया गया है? तो बच्चों, जब हम संकल्प करते हैं, किसी भी कार्य का संकल्प करें और फिर उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, तो हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं यानी बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य के लिए संकल्प करना जरूरी है, इसीलिए कवि ने हर एक मनुष्य को संकल्प करने के लिए कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, कविता में संकल्प करने पर इसलिए बल दिया गया है क्योंकि जब कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ का मतलब बच्चों पक्का एकदम, किसी कार्य की शुरुआत करता है तो उस व्यक्ति को अवश्य सफलता मिलती है, यानी कि एकदम पक्का संकल्प करके किसी कार्य को करेगा तो यकीनन उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब देख लेते बच्चों अगले प्रश्न को।
जो 4 नंबर वाला प्रश्न है वो है, सुमनों का हार किस प्रकार बनता है। सुमन का मतलब है बच्चों फूल, ठीक। सुमन का आशय फूल, तो फूलों का हार कैसे बनता है कि बहुत सारे हाथ मिलकर फूलों को चुनते हैं, फिर उसे एक धागे में पिरोते हैं उन फूलों को, उससे उन फूलों का हार बनता है, ठीक। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, अनेक हाथों से एक-एक कर तोड़े गए एवं एकत्र किए गए फूलों को धागे में पिरोने पर सुमनों का हार बनता है। अब देख लेते हैं बच्चों, ये भाषा की बात, इसका जो प्रश्न क्रमांक एक है ये है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यानी यहां पर कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, ठीक, इनको आपको एकदम शुद्ध तरीके से इनका उच्चारण करना है, तो मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूं, वैसा ही उच्चारण आप भी कर लीजिएगा। जैसे पहला जो शब्द है वो है विश्वास, दूसरा है जलाशय, तीसरा है दुर्गम, चौथा है उद्गम, पांचवा है संकल्प। इसी तरीके से आप भी इसका उच्चारण करके देख लीजिएगा बच्चों। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक दो है वो है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहां पर जो शब्द दिए हैं बच्चों उनकी वर्तनी में कुछ ना कुछ अशुद्धि है, हमें उसे शुद्ध करके लिखना है। जैसे ये बूंदे, बूंदे में यहां पर चंद्र बिंदु आता है बच्चों, ये इस तरीके से आप लिखेंगे, ये इस जगह पे चंद्र बिंदु आता है, ठीक। तो ये मैंने अशुद्धि सही करके लिख दी। संकल्प में या ये जो अंकी बिंदी लगी है ये का पे नहीं सा पे आती है, आप इस तरीके से संकल्प लिखेंगे, अंकी बिंदी सा पे आएगी, ये शुद्ध रूप है। दुर्गम में ये जो रा लिखा है बच्चों, ये रा है ना गा पे लगता है, तो दुर्गम इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप है। ये किरणे लिखा है, ये किरणे नहीं होता, ये होता है किरणे, ये ळ आता है, ये ना की जगह पे ळ आता है, तो ये हो जाता है किरणे। पर्वत में ये रा वा पे जाता है, ये वा बकरी वाला नहीं वा वन वाला लगता है, तो ये हो जाता है पर्वत। तो ये मैंने शुद्ध रूप लिख दिए हैं, आप भी इसी तरीके से इनके शुद्ध रूप लिख लीजिए बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक तीन है ये है, दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों को सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो वहां पर बच्चों आपके प्रश्न में ये शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, मैंने सीधा इसका उत्तर लिख दिया है। विलोम शब्द का मतलब होता है बच्चों उल्टे शब्द, जैसे दिन का रात, आगे का पीछे, उजेले का अंधेरा, इस तरीके से उल्टे शब्दों को हम विलोम शब्द बोलते हैं। तो इसी तरीके से विश्वास का हो जाएगा अविश्वास, पराजय का हो जाएगा जय, पराजय मतलब हार और जय का मतलब जीत, धरती, धरती का हो जाएगा आकाश और सुगम का हो जाएगा दुर्गम, सुगम मतलब अच्छा रास्ता और दुर्गम मतलब जिस रास्ते में कठिनाइयां हो, ठीक है, कठिनाइयों भरा रास्ता। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक तीन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक चार है ये है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर कुछ हमें शब्द दिए थे जैसे पथ, तो हमें पथ से संबंधित एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें पथ आया हो, मतलब पथ का उपयोग करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है, तो मैंने यहाँ पर वाक्य बना दिए हैं आपके लिए, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, आप अपने मन से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे पथ, पथ में आने वाली बाधाओं का सामना हमें साहस से करना चाहिए, मतलब हमें उन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, एकदम साहस से उन बाधाओं का सामना करो और आगे बढ़ते चलो, तो पथ का ये एक वाक्य हो गया। देखो यहां पर पथ आया है कि नहीं आया, ये देखो ये आया इस वाक्य में, हाँ
जो खावला है वो है प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, रोज रोज। ठीक, तो इसका मैंने वाक्य बना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ता है। मतलब हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो रोज ही परिश्रम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन परिश्रम कर लिया बहुत सारा, फिर 8-10 दिन की छुट्टी कर ली, ऐसा नहीं। रोज परिश्रम करना पड़ेगा तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, प्रतिदिन का मैंने उपयोग किया है इस वाक्य में। ग है बच्चों बादल। ठीक है, तो बादल पानी बरसाकर धरती की प्यास बुझाते हैं। यानी गर्मियों के दिनों में आप देखिएगा, धरती एकदम प्यासी हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है। फिर बरसात आती है, बरसात में फिर पानी बादल बरसाते हैं और धरती की प्यास उससे बुझती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस वाक्य में बादल का यहाँ प्रयोग किया है। अगला है घ नंबर का विजय। विजय, विजय मतलब क्या होता है? जीत। ठीक, दृढ़ संकल्प से विजय की प्राप्ति होती है। मतलब हम अगर पक्का इरादा कर लें तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम जीत सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प से बड़ी कठिनाइयों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर विजय की विधि का मैंने प्रयोग किया है। अगला है कांटा। तो विजय पथ में अक्सर कांटे होते हैं। कांटे का मैंने जो अर्थ लिया है वो लिया है कठिनाइयों से। यानी जब हम विजय पथ पे चलते हैं तो वहां बाधाएं या फिर कठिनाइयां आती हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कांटा शब्द ये आ गया है। तो इस तरीके से मैंने वाक्य बना दिए हैं। आप भी इसी तरीके से और भी वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, भिन्न अर्थ वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं ये का वाला, इसमें दिया है नदी, और नदी के सामने कम से कम 4 शब्द दिए हैं। तो तटनी, सरिता, सबिता और तरंगिणी। तो इन 4 शब्द में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ नदी नहीं निकलता बच्चों? ठीक है, जो इनसे अलग है तो उसे छांटना है। तो यहाँ पर बच्चों जो टटनी है, सरिता है और तरंगिणी है, इन तीनों का अर्थ तो नदी निकलता है, लेकिन जो ये चौथा शब्द है सबिता, इसका अर्थ नदी नहीं निकलता है, इसका अर्थ होता है बच्चों सूर्य। इसी तरीके से जो खा नंबर वाला है बच्चों वो है पर्वत। तो इसके सामने भी 4 शब्द हैं, तो उन 4 शब्दों में हमें ऐसा शब्द देखना है जिसका अर्थ पर्वत ना निकलता हो। तो यहाँ पर बच्चों गिरी, पहाड़, अचल, इन तीनों शब्दों का अर्थ तो पर्वत निकलता है, लेकिन ये जो चौथा शब्द है पाहन, इसका अर्थ पर्वत नहीं होता, इसका अर्थ होता है पत्थर। ठीक, तो ये इनसे अलग है। गा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, ये है सागर। इसके सामने भी 4 शब्द दिए हैं, तो इन 4 शब्दों में समुद्र, जलधि और उद्धति, इन तीनों शब्दों का अर्थ तो सागर है, लेकिन जो ये दूसरा वाला शब्द है बच्चों पीयूष, इसका अर्थ सागर नहीं है, इसका अर्थ होता है अमृत। घ नंबर वाला है फूल। इसमें बच्चों पुष्प, सुमन और कुसुम, इन तीनों शब्दों का अर्थ तो फूल होता है, लेकिन ये जो चौथा शब्द है बच्चों इसका अर्थ फूल नहीं होता, इसका अर्थ होता है बेल। जो ला नंबर वाला शब्द है बच्चों धरती, इसमें पृथ्वी, भू और धरा, इन तीनों शब्द का अर्थ तो धरती होता है, लेकिन गगन, इसका अर्थ धरती नहीं होता, इसका अर्थ होता है बच्चों आकाश। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है आपको। तो बच्चों इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।